हेलो ब्यूटीफुल पीपल, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब गाइज? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज आज हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं डी रॉक ओएस माइकल जैक्सन का, जो न्यू वर्जन आया है 64 बिट वाला, और 32 बिट की भी करवाऊंगा इंस्टॉलेशन। बस आपने घबराना नहीं है, मेरी हर एक चीज़ को फॉलो करना आराम से, तभी आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें मारखोर गेमिंग फिनिक्स ओएस, और अगर मारखोर ओएस आर्मी है तो यार लाइक कर दो मेरी इस वीडियो को। यार आप क्या सोचते हो, प्यार दिखाओ अपना यार, मैं आप लोगों से करता हूँ तो आप भी दिखाओ अपना। तो गाइज अब सबसे पहले तो गाइज डाउनलोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें वेबसाइट है जिसका नाम है डी रॉक ओ एस डॉट जी ए, तो ये आपने ओपन करनी है, और उसके बाद आपने इधर डाउनलोड वाला सेक्शन है इस पे चले जाना, ठीक है। तो डाउनलोड वाले सेक्शन पर जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर गाइज आपको मिलेगा माइकल जैक्सन का वर्जन, ठीक है। तो आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना। अब गाइज यहाँ पर आपको मिल गया है जी डाउनलोड लिंक 64 बिट का। अब इधर तीन वर्जन है, ठीक है। अब इन तीन वर्जन में क्या डिफरेंट है, ये वाला जो है गाइज ये गियर लॉक के साथ है, ठीक है, जिससे आप कर्नल मैसेज चेंज कर लेते हैं, और ये वाला गियर लॉक के बगैर है, तो हम यही वाला गियर लॉक के बगैर वाला इंस्टॉल करेंगे। अब ये जो थर्ड आ जाता है इसमें क्या है गाइज, इसमें हमारे पास जो मैसा है ना वो अलग है, ठीक है, और ये गियर लॉक के साथ है, ठीक है। तो बाकी वालों का मैसा जो है वो डिफ़ॉल्ट है, इसका मैसा जो है वो अपग्रेडेड वाला है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना कि कौन सी जनरेशन का, अगर आपकी जनरेशन के साथ मैच होता है तो आपने तभी करना। इन तीनों के डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, वेबसाइट पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइज अब सबसे पहले तो चलते हैं अपने फाइल्स की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास ये फाइल थी, तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट 7-zip से हियर किया, तो ये मुझे फोल्डर मिला। अब इसमें गाइज सॉफ्टवेयर पे जाना है सबसे पहले आपने, और ये स्टेप वन जो है आपने इस पे करना है, और इसके बाद ओके करना है, नेक्स्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है ना ग्रैप टू विन जो है इंस्टॉल होगा, ठीक है, जो कि हमें डी रॉक ओ एस की टीम ने प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर गाइज मेरे पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब मेरा सिस्टम लेगेसी, अगर आपका तीसरा आता है तो आपने तीसरे को क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। अगर एरर आता है तो मैंने इसकी अलग सी वीडियो बनाई है, EFI UFI का जो एरर आ रहा है, ठीक है, ग्रैब टू विन पे वो कैसे फिक्स करना है, तो उसका प्रॉपर एक ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आपने वो देख लेना है। कन्फर्म एंड कंटिन्यू इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये लेगा थोड़ा सा टाइम, और उसके बाद हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमने गाइज इसको ओपन करना है, और इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमें ये क्यों इंस्टॉल करना पड़ रहा है, फिर दोबारा अगर आपके पास पड़ा हुआ भी है तो वो चीज़ भी अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि हमें इसके अंदर डिफ़ॉल्ट ग्रैप कोड मिल जाएगा इसके अंदर ही, तो हमने इसके अंदर से ही सेव करना है। तो क्लोज द सेटअप प्रोग्राम पर क्लिक करना है, तो हमारे पास ओपन हो गया। अब मैनेज बूट मेन्यू पे आपने क्लिक करना है, ऐड अ न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, और टाइप पे जाके गाइज आपने सब मेन्यू पे जाना। सब मेन्यू पे जाने के बाद गाइज अब आपने ऊपर जो है ना सब मेन्यू जो है उसका नाम देना है डी रॉक ओ एस एम जी, ठीक है, माइकल जैक्सन, और यहाँ पर राइट पे लिखा हुआ लॉर्ड सैम्पल कोड, इस पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद गाइज सिंपली आपने अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके कर देना है, और ये राइट साइड पे जो डी रॉक ओ एस एम जी लिखा है ना इसको टिक लगा देना है, अप्लाई कर देना है, और फिर ओके कर देना है, और यहाँ से क्लोज कर देना है, और फिर उसके बाद जो ये सेटअप है इसको क्लोज कर देना है। अब आ जाता है डिस जीनियस, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्रैक है, तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, उसी तरह जो आपको बताया इस तरह ओके करके और इंस्टॉल करना है आगे, ठीक है, तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। 32 बिट वाला ये 32 बिट में भी चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, और 64 बिट में भी चलेगा। तो अब हम चलते हैं गाइज, सिंपली हमने अपना डिस जीनियस ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पर अपना डिस जीनियस ओपन कर लिया। अब जो ड्राइव है हमारे पास पड़ी हुई, ठीक है, उसको हमने फॉर्मेट करना है EXT4 में, ठीक है, तो EXT4 में कैसे फॉर्मेट होगा तो वो भी आपको बताता हूँ। तो 20 GB की ड्राइव कैसे बनानी है उसका ट्यूटोरियल मैंने EFI UFI का जो एरर आता है ना ग्रैब टू विन का, वो उसके अंदर बताया हुआ है। डिस्क जीनियस कैसे इंस्टॉल करना है क्रैक, उसका भी बताया हुआ है, मतलब ऑल इन वन है सारा कुछ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ड्राइव है जो 20 GB की आप देख सकते हैं, ठीक है,
मैं इसको फॉर्मेट करूँगा, बिल्कुल खाली है। आपके पास कोई भी ड्राइव पड़ी है 100 GB की, बस 20 GB हो या 15 GB से ऊपर होनी चाहिए आपके पास पड़ी है, तो आपने उसको फॉर्मेट कर देना, मतलब डाटा सारा उसके अंदर से उड़ जाएगा। तो राइट क्लिक करना है, उसके ऊपर फॉर्मेट करंट पार्टीशन पे करना है, NTFS को कर देना है EXT4 और नीचे लिख देना है जी DROC OSMG, ठीक है, कोई भी नाम दे दें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस जगह पे सिर्फ। उसके बाद गाइज हमारे पास ये सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुका है, आप देख सकते हैं EXT4 में फाइल सिस्टम आ चुकी है। ओपन करना है अब इस EXT4 वाली ड्राइव को, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम देना है DROC OS, ये कैपिटल में होना चाहिए, आप देख लें, स्मॉल वर्ड में हुआ तो वर्क नहीं करेगा, कर्नल नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। तो उसके बाद आपने इस फोल्डर के अंदर जाना है DROC OS वाले के, और यहाँ पर गाइज एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम देना है डाटा, और ये स्मॉल वर्ड में होना चाहिए जिस तरह भी है। उसके बाद ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आपने फाइल्स जो है अपनी सारी पेस्ट करनी है, ठीक है, तो वो कौन सी वाली फाइल है आपको बताता हूँ। DROC OS में जाना है और यहाँ पर ये जो फाइल्स है ना ये आपने एक्सट्रैक्ट हियर कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर करता हूँ। अब सारी फाइल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो रही हैं यहाँ पर, और काफ़ी जो है यहाँ पर आ भी चुकी हैं, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद हमने कौन कौन सी सारी फाइल्स जो है सिलेक्ट करनी है वो आपको बता देता हूँ। बस DROC OS जो है ना इसको नहीं सिलेक्ट करना, बाकी सबको जो है हमने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो उससे ये होगा कि हमारे पास ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब आपने सिंपली ये करना है कि फाइंड मी को सिलेक्ट करना है, इनइट को करना है, इंस्टॉल को करना है, कर्नल को करना है, कर्नल मेजी को करना है, कर्नल सना को करना है, रैम डिस्क को करना है, सिस्टम को करना है। ये फाइल उठा के यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देनी है डाटा के फोल्डर के साथ, तो ओके करना है। अब यहाँ पर ये पेस्ट हो रही है, तो गाइस मेरे पास डिजिनस क्रैक है तो इस वजह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आया। अगर आपके पास आता है तो मैंने प्रॉपर एक ट्यूटोरियल बनाया जहाँ पर 20 GB ड्राइव कैसे बनानी है, उसके बाद ग्रैब टू विन का एरर कैसे फिक्स होना है और डिजिनस को कैसे क्रैक करना है, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कम्प्लीट हो गया सारा सेटअप, तो अब हम कम्प्लीट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइज अब हमने सिंपली ये करना है कि अपने डिजिनस को यहाँ पर कर देना है क्लोज, और उसके बाद अब हो गया हमारे कंप्यूटर का सारा जो काम था वो कंप्लीट। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं कि जेड एप्स के अंदर ये जो फोल्डर ये जो बना हुआ है इसके अंदर ये एप्लीकेशन कौन सी है गाइज, ये लेटेस्ट एल स्पीड है, जीएल टूल है, सीपीयू मॉनिटर है, सीपीयू फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, ये हीटिंग और उसके बाद आपके ओएस को स्टेबल और फास्ट रखता है कोई भी गेम खेलने के लिए, ठीक है। आप तो इसे यूज़ कर सकते हैं DROC OS में और उसके बाद किसी भी फिनिक्स OS के मोड के अंदर या OS के अंदर इसको रख सकते हैं, ठीक है, तो इजीली जो है ना आपके पास ये वर्क करेगा। तो अब करते हैं हम अपने सिस्टम को यहाँ पर रीस्टार्ट और उसके बाद गाइज हम इंस्टॉलेशन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सो लेट्स गो गाइज। तो गाइज अब हमने सबसे पहले अपने सिस्टम को करना है यहाँ पर रीस्टार्ट और फिर करना है यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार, और इंतज़ार की जब घड़ियाँ ख़त्म होंगी तो उसके बाद ही हमारे पास हमारा सिस्टम जो है ना वो रिस्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली हो चुका है। और अब गाइज यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, ग्रैब टू फॉर विंडोज़, तो हमने ये सिलेक्ट करना है ग्रैब टू फॉर विंडोज़ और उसके बाद इंटर कर देना है। अब गाइज यहाँ पर आपका अगर DROC OSMG सिलेक्ट नहीं है इस तरह तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है इस तरह और इंटर कर देना है। तो अब यहाँ पर जो कर्नल फर्स्ट सेलेक्ट करना है वो ऊपर लिखा यूज दिस कर्नल टू इंस्टॉल, ठीक है, ऊपर वाला जो डिफॉल्ट कर्नल है तो आपने ये सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। अब ये कह रहा है स्किप प्रेस ESC, तो ये कीबोर्ड से आपने ESC वाला जो ऑप्शन है ना इसको सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास वो जो नंबर आ रहे थे ना वो क्लोज हो गए हैं और अब हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद हमारे पास सामने सेटअप आ जाएगा, तो चलिए वो देखते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर हमारे पास सेटअप आ चुका है, वेलकम। तो अब हमने क्लिक करना है सबसे पहले लेट्स गो पे और उसके बाद गाइज हमने क्लिक करना है सेटअप एज न्यू, और यहाँ पर ये कह रहा है कि कनेक्टेड करें, तो मैं यहाँ पर डोंट कर लेता हूँ कि डोंट यूज़ एनी नेटवर्क फॉर सेटअप, इसको करना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पर कह रहा है नाम इंटर करें, तो मैं लिख देता हूँ मारखोर वेट, अगर ये आपके पास आ जाता है तो इसको आपने ग्रांट कर देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ मारखोर गेमिंग फिनिक्स
OS, और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा और फिर यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है और फिर आपने मोर पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है और फिर आपने ऑल सेट पर क्लिक कर देना है और फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो OS है वो वर्क कर रहा है फाइनली। तो अब गाइज हमने सेटिंग पे जाना है सबसे पहले, तो सेटिंग पे जाकर देखते हैं कि अबाउट DROG OS के अंदर इसके अंदर क्या क्या जो है ना मिला है हमें। जो हमारे पास वर्जन है वो माइकल जैक्सन का है 3x का, ठीक है। और उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन 7.4.1 है और कर्नल जो है वो 4.14.50 डिफ़ॉल्ट। और अब आ जाता है हमारे पास OpenGL 3.0 मेसा डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और ये ऑप्टिमाइज हुआ है मार्च 24, 2022 का, ठीक है। तो अब इसके ऊपर गाइज मैं रिव्यू बनाऊंगा और इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन भी न्यू आई हुई है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो अब मिलते हैं रिव्यू वाली वीडियो में। तो यकीनन आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइज, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। माइकल जैक्सन।